हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है भरत। मेरा नाम है आयुषी। और आज हम देखने वाले हैं जयेश भाई जोरदार। और इसकी कास्ट की बात करें तो कौन कौन है? रणवीर सिंह, शालिनी पांडे, दिव्यांग ठक्कर। और रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज होने वाली है 13 मई 2022 को। तो चलिए देख लेते हैं आज का ट्रेलर। साहब, हमारे स्कूल के सामने लड़के लोग दारू पीकर लड़कियों को परेशान करते हैं। अब दारू पर रोक लगा दीजिए ना। साबुन पे रोक लगानी होगी। अगर हमारे गांव की लड़कियां या खुशबू वाले साबुन से नहाएंगे तो हमारे लड़के जोश में आएंगे ही ना। ऐसी बात पर सिर हिलाना कंपलसरी है। आइए देखिए और क्या क्या कंपलसरी है मेरी दुनिया में। ये मेरे बापूजी, वो गांव के सरपंच हैं। इनके बाद मेरा नंबर आएगा और मेरे बाद कौन आएगा इसी का टेंशन है भाई। मेरी वाइफ मुद्रा पेट से है। देखना इस बार नान का ही आएगा। हमारे घर को कुलदीपक देंगे ना। इनका सिर हिला तो लड़का और नहीं हिला तो। पापा, आपको क्या चाहिए, नानकी की नानका? मंदिर में जाते हैं, वहाँ हमको पूछते हैं क्या प्रसाद में क्या लोगे, लाडू या सीरो, जो भी मिलता है ऐसे करके ले लेते हैं ना। लेकिन ये बात जरा दादा को समझाओ ना। ये फटाकड़ी मेरी बेटी है, समाज इसको थोड़ी ना सरपंच बनने देगा। उनको तो बस कुलदीपक चाहिए। डॉक्टर बोली जय श्री कृष्णा मतलब लाला ही आएगा, और अगर डॉक्टर बोली जय माता जी मतलब पनौती निकली तो निपटा देंगे। जय माता जी। माता जी लागी क्या? क्या होगा हमारा? होगी बच्ची, होगी बच्ची की तो और जगे पीट तो लगे स्वीट। जबरा रिक्स ले लिया है, अब सब माड़ी के भरोसे। ना ही मीट और ना ही नीट, बस खाए शौक से चलिया रे। बाबूजी ने भाभी का फोटो और गाड़ी का नंबर सब जगह भेज दिया है, पुलिस को भी। एक वारिस नहीं दे पाई। ये नई पड़ोसी पैदा करने के लिए हद पार कर दी। आप मुझे छोड़ दो, एक वारिस तक नहीं दे पाई मैं आपको। लड़का या लड़की देना पुरुष के हाथ में होता है। आज तक मैं तुझे लड़का दे पाया नहीं ना, तो उस हिसाब से मैं मर्द ही नहीं हूँ। हम सब आपके साहस की दाद देते हैं। आप मेरे हीरो, पर अब आपको एक्शन हीरो बनना पड़ेगा। जयेश भाई जोरदार। आपको ये ट्रेलर कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा ये वाला ट्रेलर। और बात करें, अगर एक सोशल मैसेज देने की कोशिश की है कि कोई भी जो है लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी फ़र्क नहीं होता है, दोनों में दोनों एक होते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो इस मैसेज को भी इतना ह्यूमरस वे में जो है प्रेजेंट किया है इन्होंने, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा, टॉपिक भी बहुत अच्छा लिया है और मैसेज भी जो दिया है जिस तरीके से प्रेजेंट किया है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। अच्छा, काफ़ी फनी वे में किया है। हो सकता है भी जो आज भी नहीं समझ पाते हैं वो समझ सकें इस बात को। हाँ, इस मूवी के जरिए। और ज़्यादातर एक गुजराती फैमिली दिखाई है यहाँ पे, इसका मतलब कुछ ना कुछ सोच कर ही किया होगा कि गुजराती फैमिली क्यों दिखाई गई यहाँ पे। हो सकता है भाई एक वहाँ पर कुछ गांव में या तो कुछ इस तरह का ट्रेडिशन है कि भाई लड़की को नहीं, लड़का की लड़के की प्रेफरेंस ज़्यादा रहती है। हाँ, हो सकता है भाई। बाकी आप बताइए कि आपको क्या लगता? बाकी आपको लोगों को ट्रेलर कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर से बताइए। कोई और ट्रेलर अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए इस वीडियो को अगर पसंद आया तो। इस वीडियो में इतना ही था फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पूछो भाई, आप पूछो कि मैं चल मैं पूछती हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा? मतलब हाँ नहीं, वीडियो नहीं, आपको ये ट्रेलर कैसा लगा? आपको ये ट्रेलर कैसा लगा? अपन डिस्कस करते हैं। ए भगवान, ये जयेश भाई जोरदार तो हंसा हंसा कर लुटपुट कर देगा।
मतलब अभी है तो बहुत सीरियस मैटर पे कि लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं होता, कि अगर लड़की भी हो जाए तो वो कोई आफत नहीं होती है कि भाई वो भी आपका घर चला सकती है, माँ बापों का ध्यान रख सकती है, गद्दी पे बैठ सकती है, क्योंकि फैमिली बिजनेस है तो वो चला सकती है. लड़का ही है, वो ही सिर्फ फैमिली बिजनेस चला, ये कोई बड़ी बात, ये कोई बात नहीं होती है. लेकिन इस टॉपिक को भी इन्होंने फनी वे में और काफी फनी वे में, एकदम बमन ईरानी ने भी काफी गजब की एक्टिंग की है इसमें. अब इतने ट्रेलर में इतनी भयंकर एक्टिंग करी है तो पूरी मूवी में तो जब एकदम समा बन जाएगा इंसान, मतलब एक नजर नहीं हटेगी एकदम, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा इंसान, देखता है व्यूअर्स एकदम ऐसा फुल फोकस के साथ देखेंगे. गजब की मूवी है, फुल ऑन कॉमेडी और एक सोशल मैसेज भी देती हुई कि भाई बॉय और गर्ल में कोई फर्क नहीं होता है, दोनों इक्वल होता है. सही है.